खबर के साथ आप जुड़ रहे करुण बिहारी के साथ आप देख रहे हैं अजमाबाद गोपाल भागलपुर बिहार दुर्गा मंदिर का एक नजर। लगातार इस वीडियो के साथ बने रहे। भव्य मंदिर अजमाबाद गोपाल भागलपुर बिहार और आप देख रहे हैं मैया के दरबार में पूजा शुरू है और आप देख रहे हैं यहाँ पर सारा मिठाई का दुकान और मेला लगने का जो है कि तैयारी चल रहा है और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि काफी टेबुल पर लगा है। यहाँ पर बताशा मिठाई पान का सामग्री सब रखा जाएगा। इसी तरह लगातार बने रहिए। आइए कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ की और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ कुरकुरे और ये पानी और यहाँ पर नाश्ता का दुकान तैयारी चल रहा है और ये जानकारी लेते हैं यहाँ की। और ये जो छन्नी कर रहे हैं ये क्या चीज़ का कर रहे हैं? मिठाई का। और यहाँ पर देख रहे हैं मिठाई का छन्नी किस तरह से तैयारी किया जाता है इसका आप देख रहे हैं। और कुछ यहाँ नाश्ता का दुकान है और पूरा तैयारी में है। और आइए अजमाबाद मेला का भरपूर आनंद लीजिए और मैया के दरबार में आकर मैया के आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और यहाँ की जो है कि दो दिन का जो प्रोग्राम रखा गया उसका भी आनंद आप लोग लीजिएगा। जय माता दी। अगले वीडियो के साथ जुड़ते रहे लगातार। यहाँ की जानकारी लेते हैं यहाँ की कार्यकर्ताओं के द्वारा से और आप देख रहे हैं ये स्टेज सज धज का तैयार है। कहीं पर पेंटिंग वेंटिंग चल रहा है तो कहीं पर सीन का तैयारी चल रहा है। ये यहाँ पर कुछ युवा है उनसे जानकारी लेते हैं या यहाँ की जो जानकारी लेते हैं क्या फंक्शन होने जा रहे हैं और यहाँ पर जो कौन सा प्रोग्राम होने जा रहा है। यहाँ तो दो रात रंगारंग कार्यक्रम होने जा रहा है, दो अभिनय भी खेला जाएगा यहाँ पर। पहले और आप सुन रहे हैं यहाँ पर जो है कि अजमाबाद नाटक कला परिषद की ओर से जो है कि दो दिन का रंगारंग कार्यक्रम होने जा रहे हैं और आई जानकारी लेते हैं पूर्ण जानकारी कौन कौन सा यहाँ पर जो है कि प्रस्तुति किया जाएगा। अच्छा पहला रात में कौन सा? प्रथम रजनी की प्रथम भेंट प्रस्तुत करने जा रही है तिरंगा खतरे में है और द्वितीय रजनी की अंतिम भेंट जो प्रस्तुत की जाएगी वह गरीबों का देवता उर्फ सेरा डाकू। और यहाँ जो इस फंक्शन के साथ साथ मनोरंजन के लिए कौन सा लगा रहे हैं? यहाँ के तमाम दर्शकों के भरपूर मनोरंजन के लिए आ रहे हैं काजल म्यूजिकल ग्रुप नाथनगर से चलकर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं यहाँ की कलाकार आपकी सेवा के लिए आ रहे हैं। क्या तारीख से प्रोग्राम चालू है? प्रोग्राम 4 से 5 तक चलेंगे, दो दिन। और आपका नाम? और अखाड़ा का भी आयोजन भव्य रखा जाएगा। और आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सालो हुआ। और आप जानकारी लिए सालो कुमार शैलेंद्र जी से दुर्गा नाट कला परिषद अजमाबाद की जानकारी और कुछ बातचीत करते हैं और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे रंगारंग मेला का भी आयोजन किया जाएगा, प्रोग्राम भी होगा और दो रात। और बता रहे थे कि कुश्ती भी? हाँ तो कुश्ती तो यहाँ हर एक साल की भांति इस बार भी होवे करेगा, ये तो कन्फर्मे है। अच्छा कहाँ कहाँ से आते हैं पहलवान? पहलवान सब बाहर ही आएंगे अब की बार भी। अच्छा ये इतना तो कन्फर्म नहीं है कि कहाँ के बाहरी पहलवान आमंत्रित किया गया है लेकिन पहलवान आएंगे, जरूर आएंगे। चलिए इस जानकारी के साथ मंदिर का परिषद का वीडियो दिखाते हैं। लगातार इस वीडियो के साथ बने रहे। इधर वाल्मीकि भाजी जो हैं ये अभिनय का नायक खलनायक हैं और हम जो है ना नायक का रोल कर रहे हैं। हम दोनों नायक खलनायक का रोल किरदार में दर्शकों के बीच आएंगे और वाल्मीकि जी से जोड़िए नाटक के बारे में दो शब्दों। देखिए हम लोग तो कोशिश करेंगे नाटक अच्छी तरह से हो, हम लोग तैयारी भी सही से किए हैं और छोटा छोटा बच्चा लोग भी रोल दिया है इसमें, तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग नाटक का सही आप लोगों को दिखा सकते हैं। धन्यवाद। और इसी अभिनय के पात्र श्रवण कुमार हैं, इनसे भी दो शब्द आप सुने। यह प्रोग्राम जो है माँ दुर्गा नाट्य कला परिषद की ओर से होगा अजमाबाद में। और आपका सबसे मेन रोल क्या है आपका? मेरा मेन रोल है अनवर का रोल है और अनवर एक जो है ना मुस्लिम समुदाय से है जी। और उसका कुछ अगला पोर्शन बताइए। अगला पोर्शन ये है जो कि उनका देश जो है ना बांग्लादेश, बांग्लादेश में रहते हैं अनवर जो है, बांग्लादेश में रहता है जिसका कि देश को जो है ना गुलाम कर लेता है
ये समझिए कि ये जो अभिनय तिरंगा खतरे में प्रस्तुत की जाएगी, ये 1971 में जो बांग्लादेश पे पाकिस्तान के चलते अथी बवाल हुआ था, जो झगड़ा घाटी हुआ था पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान को लेकर के, उसी पर ये अभिनय आधारित है। और जानकारी लिए नाटक का कुछ पात परिचय का जानकारी लिए, और आप 4-5 को आइए अजमाबाद, और यहाँ के जो देख रहे हैं ग्राउंड बहुत बड़ा है, बगल में जो है कि ये जो मिडिल भी स्कूल है और ये फील्ड भी है आगे में, और मैया का दरबार आप देख रहे हैं यहाँ से 100 मीटर का जो है कि लंबा चौड़ा यहाँ पर जो है कि बैठने का पंडाल है लगा हुआ है, कुछ दुकानें सब जल्द तैयार है, और यहाँ पर जो है कि ये जो रंगमंच जो है तैयारी में है, और इसी तरह लगातार बने रहे इस वीडियो के साथ। देख रहे हैं यहाँ पर कुछ दुकानें भी सज धज का तैयार है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर खिलौना वाले और कुरकुरे वाले, और इधर मिठाई का दुकान और मैया के दरबार के आप देख रहे हैं, और यहाँ पे पूजा हो रहे हैं, और काफ़ी यहाँ पर जो है कि सज धज का तैयार है, और आप देख रहे हैं इधर मिठाई का दुकान, नाश्ता का दुकान ये देख रहे हैं। अजमाबाद मेला परिषद का 1000 प्रत्येक खबर करुण बिहारी के साथ, और आप देख रहे सामने में जो ये टेबल सब लगा है यहाँ पर बताशा मिठाई पान और सुपारी, यहाँ पर शाम के टाइम में पूजा के दिन ये शाम को रखा जाएगा, और सभी श्रद्धालुओं की व्यवस्था यहाँ पर भरपूर है, और यहाँ पर बताशा कैसे बन रहा है ये दिखाते हैं एक नज़र। यहाँ पर बताशा कैसे छनैया किया जाता है, और आप देख रहे हैं इस वीडियो के साथ यहाँ पर बताशा छनैया हो रहा है अजमाबाद गोपालपुर भागलपुर बिहार, एक नज़र आप देख रहे हैं दशहरा मेला का तैयारी वीडियो, और इस वीडियो के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बताशा तैयारी हो रहा है, और आप देख रहे हैं और आप मेला परिसर, और यहाँ पर पंडाल लग चुका है, और इधर भी तैयारी जो है कि सारा मिठाई तैयार है, और आप देख रहे हैं क्या बात।